हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल में। तो आज मैं आई हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जो पूरी लोहे की बनी है, वो दिख ही रही होगी। बहुत बड़ी लग, यहाँ से इतनी बड़ी लग रही है। चलो देखते हैं। पाँव ही इतने बड़े हैं तो मूर्ति कितनी बड़ी होगी? 182 मीटर ऊंची है ये प्रतिमा। अब हम आ गए हैं 153 मीटर ऊंचाई पे, जहाँ पे व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। यहाँ से सरदार सरोवर डैम पूरी दिख रही है। यहाँ से एक एक साथ 200 लोग एक साथ देख सकते हैं, इतनी बड़ी है। देखिए बहुत भीड़ थी। फ्लावर गार्डन, ये देखिए। ये मेरे अंकल हैं और हम लोग ग्रुप में आए हैं। जो जिसने व्हाइट टोपी पहनी है वो सब हमारे ग्रुप से है। ये देखिए सारे अलग अलग और तरह तरह के फ्लावर है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है वो ऐसे दिख रही है, जैसे हम सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही है ना, तो वो एकदम चमक रही है। देखिए, और यहाँ पर भारत का नक्शा भी है। देखिए, और ये है नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम में से निकलती हुई मेन कैनाल, नर्मदा जो योजना। 458 किलोमीटर लंबी है और गुजरात से राजस्थान बॉर्डर तक जाती है। और इसकी पहड़ाई 73.1 मीटर है और उसकी ऊंडाई 7.6 मीटर है, जो बहुत ही ज्यादा है। और ये कैनाल सब अलग अलग फील्ड में, जैसे कि अलग अलग गांव और खेतों तक जाती है। के सब गेट्स देखिए। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। Thank you.
तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है और नीचे फाउंटेन में से धुआं उठ रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये है नर्मदा नदी पर बना केबल ब्रिज जो यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो धन्यवाद, बाय।